फिर आपने ऐसे होल्ड करना है जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, और ऐसे होल्ड करके आपने कुछ इस तरीके से घूमना है, लाइक कुछ ऐसे आपने घूमना है। बात ये आती है कि एंड्रॉयड फ़ोन से बहुत सारे बंदे सोचते हैं कि वीडियोग्राफी वो कर ही नहीं सकते, उनका मतलब काम ही नहीं है, वो सिर्फ फोटोज खींच सकते हैं। तो ये वीडियो उनको दिखा रहे हैं जिनको लगता है कि एंड्रॉयड फ़ोन वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही कमाल का होने वाला है, जिनके पास सिर्फ एक सेल्फी स्टिक है और एक एंड्रॉयड मोबाइल है, जिनके पास आईफोन नहीं है। बहुत सारे बंदे सोचते हैं कि अगर मेरे पास आईफोन नहीं होगा तो भाई मैं वीडियोग्राफी नहीं कर सकता। तो उनका मैं डाउट क्लियर करने आया हूँ बाहर कि जिनके पास सिर्फ एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन है वो कैसे कमाल के सिनेमैटिक कैमरा मोड्स क्रिएट कर सकते हैं जस्ट अपने सेल्फी स्टिक को यूज़ करके। कुछ कमाल की टेक्निक्स आपसे शेयर करने वाला हूँ। और मेरे पास यहाँ पे एंड्रॉयड फ़ोन है और यहाँ पे मेरे पास एक सेल्फी स्टिक है जो उनसे 500 से 600 के आसपास आपको मिल जाएगी अमेज़ॉन के ऊपर। बहुत ही कमाल की प्रैक्टिकल वीडियो होने वाली है और आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए बैठे स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि पीछे ना कुछ ट्रीज़ लगे हुए हैं, जैसे पाम ट्रीज़ बोलते हैं इनको। पीछे ट्रीज़ के ना सिमेट्री से आपको नज़र आ रही होगी वहाँ पे, ठीक है। अब मैं वहाँ पे अगर डायरेक्टली अपने फ़ोन के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके शॉट लूँगा जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं तो वो अच्छा नहीं लगेगा। आपने इसको हल्का सा मोड़ना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसको आपको प्रॉपरली पकड़ना है ग्रिप के साथ और हल्का हल्का आपको मूवमेंट करना है, मतलब कि आपको साथ साथ में चलते जाना है और उनको आपको कैप्चर करते जाना है, जो से आपको जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, जो भी ट्रीज़ हैं, कोई नेचर का आप सीन ले रहे हो या फिर आपका कोई मॉडल है, तो वहाँ पे आपने उसको हल्के हल्के ऐसे रोटेट करते जाना है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि बहुत ही कमाल का एक सिनेमैटिक कैमरा मोड क्रिएट हो सकता है अगर आप अपने सेल्फी स्टिक को सही से यूज़ करोगे। तो चलिए यहाँ पे भी हम शॉट्स लेके देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट शॉट में मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे कि जैसे कि आपको वहाँ पे फ्लावर्स दिख रहे हैं, ठीक है, और ऐसे मैं कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग करके घर पे चला जाऊँगा और वहाँ जाके फिर आराम से बैठ के चाय पीऊँगा, फिर देखूँगा यार मेरा तो शॉट अच्छा आया ही नहीं है। तो शॉट आपने अच्छा लेके जाना है, फिर घर पे जाकर हमें चाय वगैरह पीनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है फ्रेम रेट 60 FPS। अब आपने यहाँ पे वाइड एंगल लेंस को चूज़ नहीं करना है, मतलब कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस आपने यूज़ नहीं करना है, आपने यूज़ करना है यहाँ पे नॉर्मल लेंस जो हमारा होता है मेन लेंस। और आपने सिंपली यहाँ पे आना है और थोड़ा सा आपने रोटेट करना है सेल्फी स्टिक को, और यहाँ पे आके आपने सिंपली इसके ऊपर फोकस करना है और इसका एक्सपोजर फोकस आपने लॉक कर देना है और इसके एक्सपोजर वैल्यू को आपने सेट कर लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और फिर आपने इसको ऑन कर देना है वीडियो रिकॉर्डिंग को और हल्का सा आपने पीछे आना स्टार्ट करना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि यहाँ पे जो सा मेरा एरिया वो डिफोकस हो चुका है, मतलब कि ब्लर हो चुका है। अगर मैं शॉट को रिवर्स करके स्लो मोशन के साथ ऐड कर दूंगा तो बहुत ही कमाल का मेरा एक शॉट दिखेगा। तो चलिए शॉट को भी लेके हम देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो कि अगर आपने एक ही लोकेशन के ऊपर दो शॉट्स क्रिएट करने हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन से। बात ये आती है कि एंड्रॉयड फ़ोन से बहुत सारे बंदे सोचते हैं कि वीडियोग्राफी वो कर ही नहीं सकते, उनका मतलब काम ही नहीं है, वो सिर्फ फोटोज खींच सकते हैं। तो ये वीडियो उनको दिखा रहा है जिनको लगता है कि एंड्रॉयड फ़ोन वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। अगर मैं इस चीज़ को मतलब कि सिनेमैटिक तरीके से कैप्चर करना चाहूँ एक कैमरा मूवमेंट के साथ तो कैसे करूँगा, लाइक कुछ यहाँ पे आऊँगा, ठीक है, और यहाँ पे आके सेलेक्ट करूँगा अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, और सिलेक्ट करके अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस को सेलेक्ट करने के बाद सिंपली मैं कुछ इस तरीके से मूवमेंट करूँगा, हल्का हल्का चलता जाऊँगा यहाँ पे और कुछ इस तरीके से कैप्चर करता जाऊँगा, और इसकी वजह से बहुत ही कमाल का हमारा सिनेमैटिक कैमरा मूवमेंट क्रिएट होगा। चलिए यहाँ पे हम शॉट्स लेके देखते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला एक कमाल का ट्रिक। अगर आप सोलो वीडियो शूट करते हो, मतलब कि आप खुद से सिनेमैटिक शॉट्स क्रिएट करते हो और आपके पास कोई बंदा नहीं है, कोई दोस्त है, सबसे पहले ये जो उनसे मैं टेक्निक बताने वाला हूँ ये व्लॉगिंग वीडियोस के अंदर कमाल करेगी आपकी। सबसे पहले आपने करना है कि इसको अपनी सेल्फी स्टिक को कुछ इस तरीके से करना है, सीधा नहीं रखना आपने, कुछ इस तरीके से करना है और कुछ इस तरीके से पकड़ना है, लाइक कुछ ऐसे करके,
ऐसे पकड़ना है, ठीक है। और अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस का यूज़ करना है कि जिसकी वजह से आसपास का एटमॉस्फेयर जो आपका मूवमेंट आएगा, मतलब कि इतना आपने कैप्चर करना है, मतलब कि इतना आप ले सकते हो, पोर्ट्रेट आप शॉट निकाल सकते हो, ठीक है। और फिर आपने ऐसे होल्ड करना है जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, और ऐसे होल्ड करके आपने कुछ इस तरीके से घूमना है, लाइक कुछ ऐसे आपने घूमना है साथ साथ में, कि जिसकी वजह से आपका एक बहुत ही कमाल का ड्रामेटिक शॉट 360 वाला निकल के आएगा। और यहाँ पे आपने एक गलती नहीं करनी है कि जस्ट आप सीधा खड़ गए और कुछ इस तरीके से आप मूवमेंट कर रहे हो तो वो कुछ आपका और ही बन जाएगा। तो आपने करना है यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्लेस करना है अपने सेल्फी स्टिक को फ़ोन के साथ, और कुछ इस तरीके से आपने साथ में घूमना है, जो उन सब बंदा देखेगा वो बोलेगा कि आपने किसे शूट करवाया है, और 360 आपका बहुत ही कमाल का शॉट निकल के आएगा। चलिए यहाँ पे शॉट्स लेके हम देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं फाइनल शॉट लेने वाला हूँ, और फाइनल शॉट बहुत ही कमाल का आएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने करना कि मैंने कवर लगा लिया है कि कई बार फ़ोन हमारा गिर जाता है, तो कवर डाल के शॉट को लेना। सबसे पहले आपने करना कि इसको पूरा आपने बाहर निकाल देना, ठीक है। अपनी सेल्फी स्टिक को बाहर निकालने के बाद आपने वाइड एंगल लेंस का यूज़ करना है, मतलब कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस का यूज़ करना है इस शॉट के अंदर। और आपने जहाँ पे आपका कैमरा है ना, तो इस तरीके से आपने लेना शॉट को, आपने कैमरा को रोटेट करना, मतलब कि आपके जहाँ से फ़ोन के लेंसेज होंगे वो ज़मीन की साइड होंगे नीचे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे आके कुछ आपने मूवमेंट करना, लाइक कुछ इस तरीके से जाना है, और जाते जाते हल्का सा आपने ऊपर की साइड कर देना है, कि जिसकी वजह से कमाल का आपका शॉट निकल के आएगा। और प्रॉपर चेक कर लेना कि आपका फ़ोन प्रॉपर ग्रिप के साथ हो, नहीं तो आपका फ़ोन गिर सकता है। चलिए यहाँ पे हम शॉट्स लेके देखते हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की कमाल की वीडियो, कैसे आपने अपने एंड्रॉइड फ़ोन को यूज़ करके, आईफोन नहीं है भाई, एंड्रॉइड फ़ोन को यूज़ करके कैसे आपने सेल्फी स्टिक के साथ कमाल के सिनेमैटिक कैमरा मोड्स क्रिएट करने हैं जस्ट अपने स्किल्स को यूज़ करके। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी मिला इसी साथ, तब तक लिए थैंक यू।